हेलो एवरीवन, तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या सितंबर मंथ में आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, यानी कि ये हो गया कि रियूनियन होगा या नहीं होगा सितंबर मंथ में भी। ठीक, तो रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आज मैंने कम्युनिटी बॉक्स में कार्नेलियन ब्रेसलेट के बारे में इसके बारे में डिटेल्स डाली हैं। कार्नेलियन ब्रेसलेट है ये। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको बता दिया जाएगा क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से लोग पहन सकते हैं, कौन से नहीं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आएगी आपके लिए। ठीक है, आपको सब कुछ जानकारी दी जाएंगी, कौन पहन सकते हैं, कौन राशि वाले पहन सकते हैं, बर्थ मंथ कौन सा होगा तो पहन सकते हैं। ठीक है, या किस प्रॉब्लम के लिए आप लोग इसको पहन सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको बताई जाएंगी। ठीक है, दूसरे वीडियो में। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी बॉक्स में देखिए, पोस्ट गया है, पोस्ट को देखिए, पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वहाँ पे आपको ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, जानकारी के लिए। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सितंबर मंथ में रियूनियन के चांसेस। टेन ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एम्प्रेस की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड्स आए हैं आपके सामने मेरे पास। बात करते हैं कार्ड्स की, साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन अवेलेबल हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। कार्ड्स क्या बता रहे हैं? कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सितंबर मंथ में भी काफ़ी परेशान रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, इस बात को लेकर के ये खिंचाव महसूस करेंगे, यानी कि ये पर्सन उस बात को लेकर के खींचेंगे, है ना। छोटी सी बात हो सकती है आपके लिए, लेकिन उनके लिए काफ़ी बड़ी बात होगी, और बात का बतंगड़ ये पर्सन बनाएंगे। बात का बतंगड़ ये पर्सन बनाते हुए दिख रहे हैं आज। आपके पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आप दोनों मुझे नज़र आ रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ बातें हैं, कुछ उलझी हुई बातें हैं, जिनको सुलझाने के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हो आप। लेकिन उलझने काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, उलझने सुलझ नहीं रही हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको। देखिए, ये पर्सन की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये पर्सन सितंबर मंथ में आपको काफ़ी मिस करेंगे। ये पर्सन जो आपकी बातें हैं, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, काफ़ी मिस करने वाले एनर्जी है। बट ये पर्सन अपने बात पे भी अड़िग रहेंगे, यानी कि अपने बात पे भी अड़े रहेंगे। बहुत ज़िद्द दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, आपके पर्सन के अंदर काफ़ी ज़िद्द दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी किस्म के पर्सन हैं, और इनके ज़िद्द के सामने यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपके पर्सन और आपके बीच मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि
आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली मतलब इनका किसी न किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है ये पर्सन परेशान है। सितंबर मंथ में भी पूरे मंथ ये पर्सन परेशान रहेंगे। इनके इनके साथ आपका पुराना रिलेशन हो सकता है, पुराना रिलेशन दिख रहा है मुझे, काफ़ी पुराना रिलेशन दिख रहा है, और ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ आपने देखा है इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन के मैसेज का, इस पर्सन के कॉल का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, आप इस पर्सन के कॉल का मैसेज का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे, कॉन्टैक्ट करे, ठीक। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी बता रही है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप से भागते हुए दिख रहे हैं। देखिए, पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, तो इनका पीछा तो नहीं छोड़ेंगी और नहीं छूट रहा है, ठीक है। पुरानी बातें, पुरानी यादें नहीं छूट पा रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि नहीं छोड़ पा रहे हैं ये पर्सन भी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज होते हैं कि पुरानी बातों को लेकर के ही आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। देखिए, ये पर्सन आने के लिए आ सकते हैं, इनका मैसेज आ सकता है, इनका कॉल आ सकता है, लेकिन फिर से आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, फिर से आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। क्योंकि ये पर्सन को है सबसे बड़ा ईगो, है ना, कुछ है नहीं है इनके पास, वो मैटर नहीं करता। इनके पास ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगो एटीट्यूड बहुत कूट कूट के भरा है इनके अंदर। गुस्सा है, ठीक है, चलो गुस्सा है, गुस्सा आता है, लेकिन इतना भी नहीं आना चाहिए कि मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, तो वो वाला नहीं होना चाहिए। और इस पर्सन के अंदर वही वाला है, गुस्सा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, बहुत एटीट्यूड है, बहुत गुस्सा है अंदर, बहुत कुछ छुपा के रखा है इस पर्सन ने अपने अंदर। बहुत सारी बातों को ये पर्सन ले जाना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि ये पर्सन अपने आप को ही जो होता ना कि अपने आप को ही एक अलग सा एटीट्यूड देते हुए दिख रहे हैं, अलग सा बहाना बनाते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो सितंबर मंथ में आपका रियूनियन होगा, बट एक से दो दिन के लिए, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। रियूनियन होने के चांसेस हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत छोटे टाइम के लिए, मतलब कम पीरियड के लिए होगा आप दोनों का रिलेशन कंटिन्यू, मतलब फिर से ब्रेकअप हो जाएगा। पुरानी बातें उखाड़ोगे और उसके बीच में ही यहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा फिर से, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग, थैंक यू सो मच।